छोड़ना नहीं है पॉलिटी अपनों को, कुछ भी क्या करे, यही तो प्रॉब्लम है। चलो छोड़ो, सबकी पसंद कमला पसंद, वेरी नाइस। चलो बढ़िया भैया, तो चलो बड़े दिनों बाद फिर से अपन चालू करते हैं अपना न्यूज़पेपर, है ना। आज डेट है 20 नवंबर, दैनिक जागरण को सबसे पहले अपन देख रहे हैं, है ना। क्या मतलब देखो कैसी बातें, दो लेजेंड क्या बेच रहे हैं, छोड़ो। अच्छा इलायची है क्या ये? हाँ इलायची तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही, पर सिल्वर कोटेड नहीं होती। चलो छोड़ो, छठ पूजा सबको पता है, छठ पूजा पता है, इसको बिल्कुल नहीं पता छठ के बारे में। क्या क्या थोड़ा थोड़ा सुना है, बिहार के करते डूबते के उगते सूरज, सूरज की पूजा होती है ये समझ लो एक तरह से, ठीक है। और क्या पता है इसके बारे में, थोड़ा सा पढ़ के आ जाओ कि व्हाट इज छठ पूजा, ब्रह्मा जी की पूजा पता करके आ जाओ ना, कल क्या जा रहा है। देखो बता दू, बिहारी के लिए दिवाली से ज्यादा छठ इंपॉर्टेंट होती है, समझ में आ रहा, मेन फेस्टिवल है उनका ये। वार्म अप के लिए, चलो ठीक है। लो भैया बक्सर में क्या हो गई, अब लड़ाई हो गई है ना, चलो ठीक है। हलाल आपको पता है ना, है ना? हलाल क्या होता है, हलाल का वो प्रमाण पत्र जो तुम सर्टिफाइड होता है वो तो मार्क है, पर हलाल का मतलब क्या होता है, मतलब कोई एक, ये लोग बोलते हैं कि ये वाला जो भी चीज है ये अच्छी है, हलाल मतलब अच्छा मानते हो, जो हलाल नहीं है वो अच्छा नहीं है, इस तरह से। तो ठीक है, ये देखा अभी एक वो सुरंग बन रही, टनल बन रही थी और वो धस गई है ना, ठीक है। साइबर सुरक्षा, फिर क्या है, लो भैया कोविड वॉरियर्स को कैसे सम्मानित किया जाएगा, जरा पता करके। व्हाट इज इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, एक और होता है महात्मा गांधी शांति पुरस्कार भी होता है, वो भी पढ़ के आओ। बड़े दिन हो गए थे यार ऐसे होमवर्क दिए को है। देखो दिल्ली में क्या हो रहा है, 90% जो आरटीआई की अपील या शिकायत है वो क्या हो जाती है, है ना, मतलब क्या कहते हैं उसको, कोई सुनता ही नहीं और कैंसल हो जाती है वो, ठीक है। फिर क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट की बाइकॉन, ओहो नेपोलियन बोनापार्ट को जानते हो आप लोग। फ्रांस के राजा थे ये, है ना, और ये फ्रांस के राजा तब बने थे जब वहां पे डेमोक्रेसी आ चुकी थी, समझ में आया। वो जो अपन पढ़ते ना रिपब्लिक और वो लिबर्टी फ्रेटर्निटी वगैरह वगैरह सब फ्रांस से आया था, है ना। और फ्रांस की आजादी याद है, वो राजा को वो अपने देखा था केक सॉरी ब्रेड मांगने गए थे, ब्रेड दोगे तो वो राजा केक का ऑर्डर कर देगा, है ना, बेस्टाइल डे जब हुआ था, उसके बाद वहां पे डेमोक्रेसी आ गई थी, उसके बाद आता है नेपोलियन और ये धीरे से राजा बन जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, है ना। तो भैया वो ऐसे हैट पहनता था और उसकी हैट कितने में बिकी है अभी, सिर्फ वो सस्ते में गई यार, नहीं है ना, हाँ टीपू सुल्तान की ज्यादा वो हो गई। वैसे पता है देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन नेपोलियन एंड टीपू सुल्तान, दोनों फ्रेंड्स थे, हाँ जैकोबियन क्लब पढ़ोगे अभी आगे सब पढ़ोगे जिसने नहीं पढ़ा। चलो भैया थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं कि दुख के बुने जाल में फंसी, है ना। अच्छा खुद के सारे मेरे को दुखी दिख रहा है हर जगह। देखो ना दुख और, है ना, बीइंग और, चलो ठीक है सोशल बीइंग। लो भैया छठ है ना, ये देखो ये क्या पढ़ते हैं इसको, अस्ताचलगामी, है ना, मतलब वो डूबते हुए सूरज की पूजा, ठीक है।
तो भैया निकारागुआ की चाइनीज बनी मिस यूनिवर्स, कहाँ था निकारागुआ? अरे नाम सुना कभी निकारागुआ? किसकी साइड? सेंट्रल अमेरिका, याद आ रहा है वो जो दो नॉर्थ और साउथ को जो जोड़ने वाला वो छोटा सा जगह निकारा गोवा, वहां की लड़की क्या बन गई भैया? मिस यूनिवर्स बन गई, समझ रहे हो? लो भैया एक नया केस आया है, क्या क्या जेल में बंद व्यक्ति मंत्री रह सकता है, या फिर ऐसा होना चाहिए जेल में बंद मंत्री जो भी मंत्री रह सकता है। तो ठीक है, इस पर देखते हैं अपन क्या इसका आंसर आता है। कैसा मतलब? नहीं, समझे नहीं आप। बन नहीं सकते, जो ऑलरेडी है वो बना रह सकता है कि नहीं, क्वेश्चन ये आया है। अरे समझे नहीं आप, वो जेल में बंद है पर वो मंत्री रह सकता है कि नहीं रह सकता जेल में बंद रहते रहते? तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया है, देखेंगे ना क्या आता है इसका अंतर, समझे? एक है जिसके ऊपर, जैसे देखो राहुल गांधी के ऊपर मान लो केस हो गया था, तो वो मंत्री नहीं थे, कोई नॉर्मल व्यक्ति जिसके ऊपर कोई ऐसा हीनियस क्राइम का लगा है वो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता है, पर ये ऑलरेडी इलेक्टेड मेंबर है, मंत्री है, और इसको फिर जेल हुई है, समझ पाया? डिपेंड करता है कितने साल की जेल हुई है उसको, समझ में आ रहा है ये चीज? हाँ, जेल में के इलेक्शन लड़ा जा सकता है, कईयों ने लड़ी है। ठीक है, क्या वही वही क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट से पूछ रहे? तुम मेरे से मत पूछो, जो जो खुद उनसे पूछ रहे। यही तो इसलिए तो बात आ रही है। अरे चलो रैली पे जाना तो ठीक है, पता चला वहां के लेजिस्लेचर ने क्वेश्चन के लिए बुला लिया उनको, तो बोले साहब तो कहा है, समझ आया? ये चीज है, देखो ना पूछे कि क्या गिरफ्तार हुआ जेल में बंद व्यक्ति मंत्री बना रह सकता है, मतलब ऑलरेडी क्या होगा वो मंत्री होगा। इस बार मामला मनी लॉन्ड्रिंग केस के, मनी लॉन्ड्रिंग है तो वो 1-2 साल के अंदर होगा, मतलब 2 साल वाली लिमिट क्रॉस नहीं हुई है, ये चीज है। नहीं, कैसा लगा वोट डालने गए और आया नहीं वापस, बोले वो डाल के? नहीं ऐसा नहीं करते, कुछ तो राइट्स छीनना पड़ेंगे ना। क्या यूपीएससी दे सकते? कईयों ने दिया है, अभी वो ये लड़का अभी उसकी न्यूज खूब चल रही है ना, वो आई गया था, मैंने बताया था, एक मिनट, 10वीं पास कौन सी मूवी आई है? अभिषेक बच्चन वाली, हाँ उसने 12th दी थी यूपीएससी, नहीं एग्जाम दे सकते आप, कोई मना ही नहीं है, और सबसे बढ़िया है देखो वहां पे कोई आपको परेशान नहीं करेगा, बैठ के पढ़ना ही है वहां पे, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, खाना पीना सब फ्री। है ना, मुख्य सचिव कौन होता है? कौन होता है? मेन, सबसे टॉप आईएएस ऑफिसर ऑफ अ स्टेट, ये आंसर होना चाहिए। क्या वो इंसान नहीं बोला तुमने? फिर क्या है, पिछले 8 सालों से मैं ठीक है। अच्छा हाँ, पर वो कांग्रेस का सचिव ना, ये यूनियन ऑफ इंडिया का सचिव है। हाँ तो क्या दिक्कत है? अब देखो सुनो, वो होता है ना कलेक्टर, मतलब क्या समझ आया? ऐसा है, इसका मतलब थोड़ा उसने यूपीएससी से निकाल के बस सर्विस चुनी थी। आईबीएस बोले। अच्छा बस का ही नाम आया और बस पलट गई। आयुक्त तो मतलब कमिश्नर। वो खुद भी झेल नहीं पाया इतनी खुशी।
नहीं अब इनका ही गुणगान करो भैया। वैसे इंडिया बहुत अच्छा खेली इस बार देखा जाए तो, मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि 100 के अंदर भी किसी टीम को इंडिया ऑल आउट कर सकती है, मतलब वो भी वर्ल्ड कप में कर दिया। मतलब बेचारा उनको श्रीलंका वालों को तो इतनी बेइज्जत करके भेजा है कि क्या बताओ। ठीक है एक मैच हार गए अपन, पर ठीक है क्या बोले, हमारे घर में तो ऐसा मातम छाया हुआ था सभी रो रहे हैं। मैं बोलूं क्या हो गया ऐसा आंसू आंसू वही क्या बताए है? होता है ऐसे। श्रीलंका के साथ अपनों ने किया था 2011 में बेचारे श्रीलंका एक मैच नहीं हारी थी और सीधा एक ही मैच हारी इंडिया से फाइनल वाला। चलो गंभीरता जरूरी, ठीक है ये क्या चल रहा है, छोड़ो काम का नहीं। सत्ता का सेमीफाइनल ठीक है, मुद्दे अलग कोई काम का नहीं, ये कोई काम का नहीं। निवेश का मौका इस सप्ताह खुलेंगे 5 आईपीओ ठीक है। क्या होता आईपीओ? ठीक है देखो आपने देखा था वो गवर्नर वाला वो चल रहा है डिस्प्यूट, तो देखो इसमें ये कि विधेयकों की मंजूरी देने के लिए राज्यपाल पर जानबूझ देरी करने के आरोप लग रहे हैं। मतलब क्या कर रहा है कि भाई लेजिस्लेचर ने अपने विधेयक मतलब लेजिस्लेशन बना दिया, कोई लॉ बना दिया, पर गवर्नर उस पर क्या है कि बहुत देर लगा रहे हैं उसको असेंट देने के लिए। ठीक है उसकी वजह से क्या हो रहा है भाई लॉ बन ही नहीं पा रहा है, इस तरह से चीज है ना। और भाई गवर्नर देखा जाए तो एक तरह से किसकी सुनता है, प्रेसिडेंट की सुनता है, और प्रेसिडेंट किसकी सुनता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसकी सुनते हैं, मोदी जी की। समझ में आ रहा है मतलब ये कौन करवा रहा है इनका, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं मोदी जी करवा रहे हैं ठीक है। क्या क्या देते हैं ना। मजा तो आता दैनिक जागरण पढ़ने में, कोई कुछ भी बोलो। स्टार प्रचारक समझते हो आप लोग, क्या होता है स्टार प्रचारक? कपिल शर्मा का वो क्या मोटा सा नर्स बनता था? अच्छा वो जो हाँ हाँ ठीक है, गलत। मोदी जी इज ऑल्सो स्टार प्रचारक ऑफ बीजेपी। मोदी जी तो कोई स्टार है नहीं, और या फिर तुम ये बोलना चाह रहे हो कि मोदी जी एक्टिंग करते हैं? बढ़िया सुन लो, स्टार प्रचारक ऐसा होता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को जब कैंपेन करना होता ना तो इलेक्शन कमीशन के सामने जाके ये बोलना पड़ता है कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति हमारे स्टार प्रचारक रहेंगे। क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि उनपे करे जाने वाले जो खर्चे होते हैं उनपे कुछ छूट मिल जाती है। जैसे मान लो आपको पता है ना कि एक इलेक्शन में एक लिमिट होती है पॉलिटिकल पार्टी पे, आप इतना ही पैसा खर्चा कर सकते हो। स्टार प्रचारक का अगर टैग लग जाता है तो आप उनपे कुछ ज्यादा पैसा खर्चा कर सकते हो। जैसे कैसा लगेगा मोदी जी आए और बोले खर्चा ही खत्म हो गया है ना, तो मोदी जी के लिए राजवाड़ा खाली नहीं हो पाएगा। मोदी जी को उसमें से चल के बीच में से इधर से फल फ्रूट खरीदते हुए, इधर से हार माला खरीदते हुए, इधर से कप प्लेट खरीदते हुए जाना पड़ेगा। कैसा लगेगा? मोदी जी ऐसे आ रहे, बाकी ये सामान किसको पकड़ा हो रहे, अजीब लगेगा है ना। तो स्टार प्रचारक के लिए पार्टी क्या कर सकती है, अलग फंड ला सकती है और ये इलीगल नहीं होगा। मैं ज्यादातर देखना जितने भी स्टार प्रचारक होते हैं वो हेलीकॉप्टर वगैरह से आते हैं, पैसा एक्स्ट्रा मिल जाता है ना। समझ में आया है ना। अब स्टार का मतलब सलमान खान या शाहरुख खान नहीं है, कोई भी हो सकते हैं। हाँ मैं क्या कह रहा हूं, जरूरी नहीं बॉलीवुड की कोई एंटिटी ही स्टार प्रचारक हो, कोई एक व्यक्ति जो बहुत इन्फ्लुएंशियल है उसको भी आप बना सकते हो स्टार प्रचारक। पार्टी के ऊपर होता है आप किसको देना चाहते हो। जैसे मान लो एल्विश भाई है कि नहीं, वो इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है,
तो उनको वही बना के लिया है, क्या है कि स्टार प्रचारक, वो एल्विश भाई के ऊपर वो पैसे ऐसे ढोल देंगे कि खर्चे करो इनकी रैली में जितने हो सके, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उस पर रोक नहीं लगाएगी। समझ में आया? इस तरह से स्टार प्रचारक याद रखना ये चीज, ठीक है? क्या वो भैया भाई की नौकरी जाएगी और जने कितने केस चलेंगे उस पर, और उल्टा पता अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अगर किसी के लिए कैंपेनिंग कर दी ना, के लिए कैंपेनिंग कर दी होगी, अगर वो जीत जाए तो उसकी सीट भी चली जाएगी। इंदिरा गांधी के टाइम पे यही हुआ था, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, पर वहां पे जा रायबरेली जहाँ उनकी वो जो सीट थी जहां से वो जीतती थी, वहां के कोई कलेक्टर या उन्होंने वहां पे उनके प्रचार प्रसार कर दिया था, तो किसी ने जाके उनकी कंप्लेन कर दी और इंदिरा गांधी जो अभी प्राइम मिनिस्टर है उनको अपनी सीट छोड़ना पड़ गई थी। समझ में आ रहा है आपको? पता है बाद में इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश छोड़ के साउथ में गई थी इलेक्शन लड़ने, और फिर वो कर्नाटक से जीत के आई थी। पता आपको ये चीज? ऐसा कुछ नहीं लग रहा, सुना सुना नहीं लग रहा, सुना सुना लग रहा है ना, है ना? कोई गांधी यूपी छोड़ के साउथ गए हो और वहां से जीत के आए हो, है ना? क्योंकि यूपी में जीतना पॉसिबल नहीं है अब। ऐसा होता है, हिस्ट्री रिपीट होती रहती है अपने आप, है ना? देखो ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे मिल्खा सिंह, सब जानते हैं मेरे ख्याल से मिल्खा सिंह को, ठीक है? देखो क्या है, रूस ने अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च किया, ठीक है? क्या नाम था इनका? जरिया लिखा है क्या ये? ठीक है, जरा पता करके वो आज तक किस किस देश ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया है, ठीक है? और कौन, या फिर ऐसा देखो कितने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आज तक बने हैं। जैसे एक मैंने बताया था, एक मीर बना था, जैसे अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS है, उसके पहले एक मीर करके था, याद आया? मैंने बताया था आपको, नहीं याद है पता करके आओ, ठीक है? एक जैसे चाइना का भी एक अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ठीक है? ये सारी चीजें। लो भैया अर्जेंटीना में क्या मिले? पेरो वाले सांप का फॉसिल, वाओ, ठीक है, पेरो वाले सांप। देखो बांग्लादेश ने क्या किया, इस्लामिक राजनीतिक पार्टी चुनाव से बाहर हो गई वहां की, जरूरी भी है वहां पे सेक्युलर होना। देख लो भैया इंडिया क्या भेज रहा है फिलिस्तीनीज को? राहत सामग्री भेज रहा है, ठीक है? मतलब देखो अगर कोई बोले कि इंडिया का स्टैंड क्या है इसराइल फिलिस्तीन वॉर में, तो हम इसराइल के साथ है, हम फिलिस्तीन के भी साथ है। और देखो हम एक्चुअली साथ है पीस के, शांति के साथ है, ना तो हम कायदे से इसराइल के साथ है, ना हम कायदे से फिलिस्तीन के साथ है। हम तो आर्टिकल 51 को लागू करते रहते हैं सब जगह, सॉरी आर्टिकल 50 या 51, क्या है पीस को मेंटेन रखना, कहाँ रिलेशन आ गए। चलो ठीक है ना, मेन तो क्या है इंटरनेशनल पीस मेंटेन करना, नहीं पढ़ के आए ना तुम लोग? बढ़िया बढ़िया, मत पढ़ना मत पढ़ना, सिलेक्ट विलेक्ट हो गए तो देख रहे हो ये बनी हुई है। एक ये देखो ये क्या है, सैन सेल्वाडोर में भारत की मिस इंडिया, अच्छा ये इंडिया की है ये, लग नहीं रही ना। तो भारत से 100 से ज्यादा समझौतों की समीक्षा कर रहा है मालदीव्स, मालदीव्स में अभी क्या चल हुआ है बताओ? नई गवर्नमेंट आ गई, नए प्रेसिडेंट आ गए, और वो प्रेसिडेंट क्या है? प्रो चाइना है। तो अब देखो जितने भी समझौते हुए हैं, जितनी भी ट्रीटीज हुई होगी इंडिया और मालदीव्स के बीच में, उनको क्या कर रहे हैं, वो रिव्यू कर रहे हैं कि अगर इनको नहीं जमेगी तो वो क्या कर देंगे, उस ट्रीटी को हटा देंगे। बापरे, चलो ठीक है ना। देखो प्लास्टिक के ऊपर कोई वो चीज है, छोड़ो। कोई चीज मतलब क्या चीज दे रहे हो पहले ये बताओ, मंगवा सकते हो तो कैसे लगा किसी को गिफ्ट देना और वापस मांग लेना? हाँ पर फिर आप बिगाड़ ही लोगे ना पूरी चीज, पर कभी भी इंटरनेशनल रिलेशन में आप कभी किसी से पूरी तरह से नहीं बिगाड़ते। अरे अपन तालिबान से नहीं बिगाड़ रहे यार, ये तो छोड़ो, इस तरह से पाकिस्तान से नहीं बिगाड़ के रखते हैं अपन, तो समझ में आया? कभी किसी से बिगाड़े नहीं जाती, यही इंटरनेशनल रिलेशन है।
ठीक है। तो फोटो भी कैसे कैसे लेते हैं ना, ठीक है। और कोई मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा। दिल्ली दिल्ली की न्यूज़ है यार। चलो नेक्स्ट। हेड ब्रेक्स हार्ट, वाह। फिर देखो क्या है, फ्रॉड लोन एप्स रन एमओ केस गवर्नमेंट, आरबीआई टेक प्लेटफॉर्म साइलेंट ऑन हुज द मॉनिटर। ठीक है भाई, देखो कितने अपन देख रहे हैं फ्रॉड लोन एप्स आ रहे हैं, है ना, कितने लोगों ने फांसी वांसी लगा ली, सुसाइड कर लिया इसके ऊपर। पर इन एप्स के ऊपर कौन मॉनिटर कर रहा है, ये कोई भी अभी तक कंफर्म या क्लियर नहीं है। ठीक है चलो नेक्स्ट क्या है, उत्तरकाशी टनल, ठीक है अभी अपनों ने देखा। नहीं, ये सीएसआर समझते हो आप, सीएसआर समझते हो, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं होता क्या है ये बताओ पहला, है ना, जैसे देखो कॉरपोरेट्स अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, पर इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जैसे गवर्नमेंट काम करती है, तो भैया आपको भी सोसाइटी, क्योंकि आप सोसाइटी से पैसा कमाते हो तो सोसाइटी के लिए भी तो कुछ दो। तो इसमें होता है कंपनीज एक्ट 2014 के बाद, है ना, अब ये बोला गया नेट प्रॉफिट का 2% आपको आपको सीएसआर में लगाना चाहिए। समझ में आ रहा है, इस तरह से होता है। सीएसआर कैन बी एनीथिंग, जैसे आपने देखा, जैसे देखो यहाँ पे ये एम्बुलेंस दे दी, पीने का पानी टाइप से पकड़ा दिया, ऐसा कुछ बना दिया स्कूलों में, ठीक है। देखो हेल्थ कैंप्स वगैरह लगा रहे हैं वगैरह वगैरह सारी चीजें, ठीक है, ये सब क्या आ जाती है सीएसआर में। जरा एक लिस्ट बना के लाओ सीएसआर में क्या क्या एक्टिविटीज आ सकती है किसी भी कंपनी के लिए, है ना। हाँ प्लान टू मैनेज सप्टल, देखो कि नहीं, साइप्रस कॉन्फिडेंशियल रेवलेशन हेल्प वो नीडल ऑन द कॉम्प्लेक्स पॉलिसी चेंज तो टैक्स हेवन, ठीक है। चलो एक चीज समझ लो भैया साइप्रस को लेकर, देखो साइप्रस अपने लिए वेरी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्यों, क्योंकि देखो साइप्रस के साथ हमारा है डीटीएए। क्या होता है इसमें कि कोई भी, है ना, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है ये, कोई भी एक कंपनी अगर इन दोनों जगह पे ऑपरेट करती है तो उसको किसी एक जगह पे ही टैक्स देना होता है, ठीक। अब साइप्रस के साथ प्रॉब्लम क्या है, देखो साइप्रस कुछ इस तरह से है, ठीक है, साइप्रस के साथ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे तीन तरह के जो है एथनिसिटी के लोग रहते हैं, एक है टर्किश, एक है फ्रेंच और एक है वहां के साइप्रिस, जो साइप्रस वाले लोग हैं, ठीक है। देखो टर्किश वाले इधर रहते हैं, साइप्रिस वाले इधर रहते हैं, और जो फ्रेंच और यूके वाले जो हैं, मतलब उन्होंने क्या करे, वो कॉलोनी बना के रखी थी, वो बाद में यहीं रह गए, जैसे अपने एंग्लो इंडियन रहते हैं ना, वैसा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो लीगल गवर्नमेंट है जिसको यूनाइटेड नेशन ने रिकग्नाइज किया गया है, वो इतने को रूल करती है बस। तो समझ में आ रहा है, ये वाला यहाँ पे क्या है, डिस्प्यूटेड रीजन है। जैसे देखो अपने लिए अक्साई चीन या एलओसी है, अपना है अपना पार्ट, पर वहां अपन रूल नहीं कर पाते अभी, समझ में आ रहा है चीजों को, वैसा ही यहाँ पे भी है, यहाँ पे टर्की करता है। अब इंडिया यहाँ पे क्यों आ रहा है, देखो एक तो ये मेडिटेरियन सी में है,
वेजिटेरियन सी में है। दूसरी चीज देखो, अभी वो अपना एक नया कॉरिडोर जाएगा, क्या नाम से, मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जाएगा अपना, ठीक। और देखो इसी के पास में यहाँ पे इसराइल है, इसराइल का वो वाला पोर्ट है, क्या नाम है वो, हाइफा पोर्ट, याद आ रहा है। अब देखो ये वाली जगह तो ठीक है, पर ये यहां से आएगा पास में। अब ये अंडर है टर्की के, टर्की और इंडिया की जमती है क्या, नहीं जमती, तो इंडिया इनको सपोर्ट करता है, टर्की को वाले को दबाता है और इस एरिया पे पूरे कंट्रोल करता है। कुछ समझ में आ रहा है, ठीक। और अब क्योंकि वहां पे देखो कुछ चीजें गड़बड़ चल रही है साइप्रस में, अगर यहां पे मान लो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है तो इंडिया के लिए दिक्कत आएगा, तो समझ में आ रहा है। तो ऊपर से चले गया, आपने देखा है हर बार हर साल प्रेसिडेंट एक बार तो यहाँ पे ऑफिशियल विजिट देने जाता ही जाता है, साइप्रस इतना इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट जा रहा है मतलब इंपॉर्टेंट जगह है। और एक तरह से ये क्या है, दूसरा एक और ये टैक्स हेवन है, क्या होता है भैया टैक्स हेवन, जहाँ पे ऑलमोस्ट या जीरो या फिर टैक्स लगता ही नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पढ़ लोगे आप, समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है वहां पे, ठीक। क्या है ड्रग डिटॉक्स, छोड़ो। फिर क्या है बेयरिंग विटनेस इन गाजा, ठीक है छोड़ो। विथ क्या है एम्पैथी, तो वो लिटरेचर छोड़ो, ये वाला काम करें। डिगिंग और वे टू प्रॉस्पेरिटी को छोड़ दो, द मिसिंग वीमेन इन पोल्स छोड़ दो। फिर क्या है छोड़ दो, ये देखा आपने 2+2, देखो दो मिनिस्टर गए, डिफेंस मिनिस्टर और अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, तो टू अपने दो हो गए, सेम उनके डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से अपन बात करेंगे। बताया था मैंने 2+2 है ना, या तो मिनिस्टर जाते हैं ऑफिसर्स जाते हैं, ठीक है चलो। और डिफेंस मिनिस्टर गए थे इनके साथ अजीत डोवाल, तो ऐसे ही चले गए होंगे, नहीं नहीं तो वहां गए थे ना, अच्छा ठीक है यहीं पे होगा, और वो शायद यूएस वाले से होना है अपना, है ना, ऑस्ट्रेलिया के यूएस वाले के साथ था, ठीक है याद नहीं मेरे को, चलो समझ गए ना। पर थोड़ा सा इसको पढ़ लेना क्या 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 है इसमें, क्या बातचीत होने वाली है, ये सारी चीजें, ठीक। दूसरा क्या है भैया, ठीक है पुलिस इंस्पेक्टर, ठीक डबल वार्निंग, ठीक है गाजा हॉस्पिटल अ वीक ऑफ फुल रशिया स्ट्राइक की वजह से, देखो यमन में एक ये हुती करके हाउतीस या हुतीस करके एक रिबेल ग्रुप है जो यमन गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर रहा है वहां पे, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ के आओ, ठीक है। क्योंकि देखो जैसी अभी इसराइल और उसका लड़ाई हुई ना हमास की, है ना, तो इसमें क्या हुआ, सऊदी अरेबिया चुप बैठा था, तो सऊदी अरेबिया चुप बैठा था तो ये लोग उसके अपोज में हो गए। थोड़ा पढ़ के आओ जरा क्या स्टोरी है इनकी, कल पर डिस्कस करेंगे इसको, हाउती इसकी इसकी बारे में, हाँ ग्रुप है रिबेल ग्रुप है यमन का एक, ठीक है। देखो बता रहे ना उन्होंने ये गैलेक्सी लीडर करके कार्गो शिप को क्या कर दिया उन्होंने, हाईजेक कर लिया है, ठीक है। और वो हाईजेक इसीलिए करा होगा, या तो पैसा डिमांड करेंगे या फिर कोई अपनी मांग मनवाएंगे ये लोग, ठीक है इस तरह से। फिर क्या है अर्जेंटीना वर्ड्स टू नेल बिटर पोस्ट, ठीक है। देखो अर्जेंटीना में देखो एक तो क्या है नाखून काटने जैसे बोले ना वाले पोल हुए, मतलब कौन जीतेगा पता नहीं, ठीक। दूसरा चीज कौन अभी एज पे है जो किसको सपोर्ट करता है, ट्रम्प को, यानी अमेरिका का जो साइड में, जैसे देखो साउथ अमेरिका पूरा जो है ये थोड़े से ना कैपिटलिस्ट के अपोज में है, क्योंकि क्या हुआ है जब अमेरिका बढ़िया डेवलप हो गया था ना, तो अमेरिका के कैपिटलिस्ट लोगों ने इन साउथ अमेरिका में अपनी फैक्ट्रीज डाली कंपनीज डाली और इन लोगों का बहुत एक्सप्लॉयटेशन किया हुआ है। सेम चीज मेक्सिको का भी किया है इन्होंने, क्या हुआ फिर बाद में जब देश आजाद हुए ना, तो ये लोग पूरी तरह से मतलब एक पूरी इकोनॉमी खराब करके अमेरिका आए थे ये लोग, इसलिए ये लोग जितने भी साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका के लोग हैं ना, ये अमेरिकन को पसंद नहीं करते, ठीक है। पर अमेरिका क्या करता भाई, देखो कहीं ना कहीं इनको रुझाना तो पड़ेगा, मतलब उनसे बिगाड़ के नहीं रख सकता, तो अमेरिका कुछ ना कुछ करता रहता है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्शन हुए हैं उसमें देखो कौन जीतने वाला है, जो ट्रम्प का सपोर्टर है,
और अब बात चल रही है कि शायद जो बाइडन हार के फिर से ट्रंप आ जाएंगे वहां पे, ये बातें चल रही है अमेरिका में। पता है आपको कि जो बाइडन जो बोल के आए थे वो एक भी अपना वादा पूरा नहीं करवा पाए, ना मंदिर बना ना कुछ हुआ वहां पे इस तरह से है ना। चलो फिर क्या है, फाइटिंग अ न्यू ट्रेन लाइन इन मेक्सिको, फेस वॉल गवर्नमेंट, छोड़ो। फिर क्या है भाई, वाई हाई कोर्ट स्ट्रक डाउन हरियाणा प्राइवेट सेक्टर जॉब कोटा। चलो पढ़ लोगे ये, देखो हरियाणा गवर्नमेंट क्या चाह रही थी कि प्राइवेट सेक्टर में भी क्या आ जाए, एक कोटा आ जाए, एक रिजर्वेशन सिस्टम आ जाए, पर हाईकोर्ट ने उसको क्या कर दिया है, स्ट्रक डाउन कर दिया है। तो थोड़ा सा पढ़ लोगे क्या मतलब स्टोरी थी और क्यों स्ट्रक डाउन कर दिया गया है। हाँ ना थोड़ा तो बोल दिया करो भैया, ठीक है ना। क्या है BDS मूवमेंट, क्या है ये भैया, नॉन वायलेंट कैंपेन अगेन इसराइल लिंक टू होस्केट रेजिग्नेशन फ्रॉम डॉक्यूमेंट 16, ठीक है। जरा पता करके आ जाओ भैया ये मूवमेंट के बारे में, एक नॉन वायलेंट मूवमेंट है अगेंस्ट इसराइल फिलिस्तीनियों द्वारा, है ना। कल को हो सकता है इतना ही आ जाए अपने पास, है ना, कि भाई ये मूवमेंट किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो थोड़ा सा पढ़ लोगे, है ना, या फिर ये आ जाएगा BDS मूवमेंट इज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट, या फिर बोलेंगे इट इज अ वायलेंट मूवमेंट, इट इज रिलेटेड विद द यूक्रेन, दोनों ऑप्शन ऐसा है, ठीक। चलो फिर क्या है, द अदर ऑयल इम्पोर्ट, ठीक है। देखो एडिबल ऑयल कौन कौन से मंगवाते हैं हम लोग, देख रहे हो, एक मंगवाते हैं अपन मस्टर्ड, सबसे ज्यादा मस्टर्ड ही है ना, ठीक है। क्यों पाम बोलते हैं, पाम तो कितना मंगा रहे हैं अपन, ठीक है। देखो खोपरे का, खोपरा ज्यादा मंगवा लेते हैं अपन तो, नहीं चलो एक एक करके देखते हैं। मस्टर्ड ऑयल होता है क्या, सरसों का तेल, सोयाबीन, सोयाबीन, कॉटन सीड, हाँ कपास का जो आता है ना उसका भी तेल निकाल देते हैं अपन लोग, ठीक है। राइस ब्रान, हाँ हाँ उसका तेल निकालते हैं, मुझे क्या पता, उसी को बोलते हैं, मत टेंशन लो, ठीक है। फिर होता है अपना ग्राउंडनट, खोपरा या कोपरा, पाम ऑयल पता ही है तुम्हें, मेज जर्म, ठीक है, सिसे मतलब दिल्ली है ना, सनफ्लावर, ये क्या डबल है, इंक्लूड सनफ्लावर सीड केक ऑयल, ठीक है, और अदर जो भी है, बढ़िया है। अच्छा वेजिटेबल ऑयल और ये इसमें अपने नॉर्मल जो ऑयल होता है उसमें क्या अंतर है, वेजिटेबल ऑयल मतलब, ऐसा तो नहीं गोभी को तेल वाला देते होगे, जरा कल पढ़ क्या हो, वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, गोभी का तेल लगा कल पढ़ के तो आओ, बड़ा मजा आएगा है ना। जैसे आपको पता है पैराशूट अपना जो कोकोनट ऑयल रहता है वो बताओ, वो सिर के लिए होता है कि खाने के लिए होता है, वो एक्चुअली खाने के लिए होता है पर हमारी प्रॉब्लम है हम उसको सिर में लगा लेते हैं। जैसे देखो सरसों के तेल की मालिश होती है कि नहीं, पर सरसों का तेल काहे में यूज होता है, ऐसा है, ठीक है। कल पढ़ गया बहुत अच्छा लगेगा वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। गवर्नमेंट फूड सब्सिडी आउटले है ना, देखो गवर्नमेंट जो फूड सब्सिडी दे रही है वो कितनी होने वाली है, रुपीस, बहुत ज्यादा नहीं होने वाली, देखो क्या बोल रहा है भैया, यूनाइटेड किंगडम देखो क्या बोल रहा है, इट सीक्स हायर प्रोटेक्शन फ्रॉम इट्स GI प्रोडक्ट्स फ्रॉम एग्री सेक्टर अंडर FTA विद इंडिया। वो बोल रहा है कि भैया जब आप तुम FTA कर रहे हो ना तो देखो GI जिस जिस पे मिला है हमें थोड़ा सा दो, जैसे दार्जिलिंग टी, तो दार्जिलिंग पे क्या मिल गया उसको, एक GI टैग मिल गया, तो वो बोल रहे हैं कि यार ये चाय हमें UK में भी ग्रो करने दो, समझ में आया, अंडर, ठीक है, उनसे बोलो चुपचाप जो मिल रहा है ले लो, ऐसी हालत खराब है तुम्हारी, ये वर्ल्ड कप तो कितने गंदे आ रहे बेचारे, कौन बोलेगा कि लास्ट वर्ल्ड कप यही लेके गए थे
चलो पीएम मुद्रा योजना सबको पता है मेरे ख्याल से। चलो एफपीआई टर्न बायर्स इन्वेस्ट, लो भैया फाइनली एफपीआई अपने जो बेच बेच के जा रहे थे अब क्या करने लग गए, वो खरीदने लग गए और कितना इन्वेस्ट कर दिया फिर से। चलो अच्छा किया, कुछ तो अच्छा हुआ है ना। ओपन एआई मेरे ख्याल से सबको पता है व्हाट इज चैट जीपीटी, ठीक। चलो क्या है ये एक वैसे, व्हाट इज ओपन एआई या चैट जीपीटी, इंजन है। अच्छा गलत, इट इज अ जनरेटिव एआई, मैंने साफ सुथरा बताया था ये। गूगल इज अ सर्च इंजन, बिंग इज अ सर्च इंजन, बाइडू इज अ सर्च इंजन, बाइजू नहीं बाइडू है ना याद रखना, बट चैट जीपीटी इज अ जनरेटिव एआई है ना, गूगल इज नॉट एन एआई। देखो एआई क्या होता है, जिसके पास खुद की इंटेलिजेंस है, गूगल के पास कोई दिमाग नहीं है। गूगल क्या करता है, एक स्टोर कीपर है जिससे बोला कि भैया वो कील कहाँ रखी, तो वो जाएगा कोने में और वहां से ढूंढ के ले आएगा, समझ में आया। पर चैट जीपीटी वो चीज भी आपके पास लाके दे सकता है जो अवेलेबल ही नहीं है, पता है कि नहीं पता है, नहीं पता है, ठीक है छोड़ो। चलो कोल्ड प्ले, बड़ा बुरा लग रहा है ये है ना, ये ब्लू है ना, ये ब्लू भी अच्छा जो भी पीला पहलेगा वो जीतेगा, ऐसा है क्या। चलो जो भी ब्लू होना चाहिए था ये कलर नहीं यहाँ पर उन्होंने दवाई छीट दी होगी ना, पैसा लगता है यार है ना। देखो फोटो एक ही दिया पर क्या बोले। मत ही देखो ये सब चीज छोड़ो। फिर ये दिख गए, यहाँ धोनी जी धोनी भाग रहा है ना, सही बात है। देखो क्या है ये, कांगरी बेच रहे, कांगरी समझते हो, कंगड़ी कांगड़ी जो भी बोलते हैं, समझते हो, लकड़ी की टोकरी नहीं होती, सिगड़ी होती है एक तरह की, जैसे कश्मीर वगैरह जो लोग में जो लोग रहते हैं ना, वो अपने साथ एक छोटी सी सिगड़ी लेके घूमते हैं, क्योंकि ठंड बहुत होती है ना, तो बैठे बैठे क्या करते रहते हैं वो। हाँ सीरियसली, तो ठंड में कैसा लगेगा ना भाई, गया तो था पर वहां जम गया, समझ में आया। और एक चीज होती है बुखारी, नाम सुना है कभी, बताओ आपने देखा होगा, पर जैसे कहीं पे भी ऐसे ठंडी जगह का जब कोई वीडियो वगैरह देखोगे ना, तो वहां पे वो जो खाना बनाते हैं वो एक ऐसे पूरा बड़ा सा स्टोव टाइप सा रहता है, उसके ऊपर वो मतलब कुकर भी रख देते हैं, यहीं पे खाना भी बनाते रहते हैं, और देख रहा हूँ वहीं पे बैठ के वो हाथ भी तापते रहते हैं, इसको बोलते हैं बुखारी। और वो ऐसा मतलब रहता है इस तरह से चोकोर टाइप से रहता है, यहाँ पे अंदर वो आग जलाते रहते हैं, ऊपर वो कुछ भी स्टोव वगैरह रख देते हैं, और इसका ऐसा घर के बाहर वो धुआं छोड़ता रहता है वो, देखना इसको बोलते बुखारी। ये अपने ज्यादातर जो हिमालयन स्टेट्स है वहां पे ये लोग यूज करते हैं सब, ठीक है। और कांगरी समझ गए ना, दिल्ली मेट्रो को क्या लिखना पड़ रहा है आज भी जोड़ रही हो गेम ऑफ कंसेंट, छोड़ो छोड़ो। देखो भैया गवर्नर वो दिलवा रहे, वो दिलवा रहे, दिख रहा है सबको, असम सीएम ट्रिगर नेम गेम फॉर बेबी जिराफ इन जू, इसका नाम दे दो बोले। वाह यार दूध ही पिला रहे होंगे, बॉटल कुछ और चीज की है ना, बोले सो जा बेटा ऐसा कुछ, ठीक है। अरे ऑस्ट्रेलिया हार गए वो जीत, इंडिया हार गए तू भी गम में आ जाए ऐसा। लो भैया
ये जरा पढ़ के आओ, एक नई चीज को जीआई टैग मिल गया है। कैसे पढ़ेंगे इसको? ओनाट टू करा सिसम, कोई तिल्ली है जिसका नाम है ओनाट टू करा, जरा पढ़ के आओ, जीआई टैग मिल गया इसको। क्या जरूरी अभी फिर जीआई टैग मिल गया फिर से पूछा भाई तिल्ली का तेल पूछ ले, ये इस तिल्ली को ऐसा क्या खासियत है इस तिल्ली में, पता करके आ जाओ। क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ, और भेजना यार ये वाली न्यूज, नहीं पढ़ी अपनों ने? हाँ तो नहीं, जीआई टैग मिला मतलब बड़ी चीज होती है, इसलिए तो बोल रहा हूं मैं। कैमल पे जो होता है ना वो उसके बालों को ट्रिम किया जाता है, दरअसल जीआई टैग है उसको क्या कुछ और है, चलो पता कर लेना एक बार, है ना, ये भी भेज देना ठीक है। येलो अलर्ट इशूड फॉर 6 डिस्ट्रिक्ट, भाई येलो अलर्ट पता है 3 तरह के अलर्ट होते हैं, ट्रैफिक लाइट देखी है कितने कलर के होते हैं, हाँ कौन कौन से, समझ में आ रहा है ठीक है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2021 के या 2022 के मेंस के पेपर में क्वेश्चन आया है, साइक्लोन आने पर जो अलर्ट मिलते हैं वो क्या दर्शाते हैं, तो जो मेंस में क्वेश्चन है तो येलो अलर्ट, समझ में आ रहा है। दूसरा क्या है, कास्ट सर्वे, ठीक है, अ फॉर्मर होम सेक्रेटरी एंड हर डेंजरस लीगेसी, छोड़ो, गवर्नर रिजेक्टिंग बिल्स, अभी अपनों ने देखा ये वाला, ठीक है ये वाला आर्टिकल पढ़ लेना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है ठीक है। फिर क्या है, स्टीयरिंग रोड सेफ्टी इन इंडिया बैक टू ऑन राइट लाइन, अभी छोड़ दो ठीक है। फिर क्या है, रेनिंग प्रॉमिस कॉम्पिटिटिव पॉलिसी सीम्स टू रिप्लेस कम्युनलिज्म इन कैंपेन, छोड़ो ठीक है। देखो इसका मतलब बस ये समझ लो, देखो कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म, पॉपुलिज्म का मतलब होता है इस तरह से बातें बोलना जो पॉपुलर हो जाए, मतलब लोगों के बीच में बड़ी वाहवाही, भले ही वो रेवेन्यू या बाकी सारी चीजों के लिए बहुत ही खराब हो गवर्नमेंट को। जैसे मान लो आज मिलेंगे और कल मिलेंगे 3,000, समझ आ रहा है, ये भले ही सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। और हाँ दूसरी चीज, टंकी मिलेगी सिर्फ 450 में, सुना है कि नहीं, सारी चीज लाडली बहनों को। देखो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसको फेमिनिस्ट व्यू से आप देखोगे ना, तो गवर्नमेंट चाह रही है कि लड़कियां क्या करे, रोटियां बनाए, टंकी क्यों टंकी देके, ऐसा तो नहीं कि ऑफिस लेके जाना उसको गाड़ी में लगा के, ऐसा तो नहीं है ना, समझ में आया। तो ये भी चीजें है याद रखना है ना, क्योंकि पता जब मैं लाइन में लगा था ना तो वहां पे इतनी सारी लड़कियां बात कर रही थी इस चीज की, मतलब औरतें भी है ना, जो भी बहने हैं, बोला 1500, बोले कांग्रेस ने 1500 बोला है, बोले 1400 बोला है, बोले बीजेपी ने 1500 बोला है, मतलब कांग्रेस 500 में टंकी देगी, बीजेपी 450 में टंकी देगी। मैंने वाह यार सब पता है लोगों को, देखो मेरे को इनसे पता लग रहा है कि इतने में देगी, समझ पा रहा है ठीक है। तो मैंने भी सोचा किसको वोट दे, समझना पड़ेगा अब। चलो, मेकिंग पब्लिक एजुकेशन इंक्लूसिव, क्या मतलब हुआ इस लाइन का? अरे 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 अरे, क्या मतलब हुआ इस लाइन का? कैसा लगेगा, मेकिंग पब्लिक एजुकेशन सबका साथ सबका विकास, नहीं जम रहा ना, नहीं जम रहा, इंक्लूसिव का मतलब होता है कि एजुकेशन को हर किसी के पास पहुंचाया जाए, कोई भी उससे वंचित ना रहे, समझ में आया। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि सबके पास पहुंच जाए एजुकेशन, कोई भी अनपढ़ ना रहे कल को। और पब्लिक एजुकेशन का मतलब ही होता है एक तरह से गवर्नमेंट के द्वारा जो चीज पढ़ाई जा रही, मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह है, समझ में आ रहा है ना। तो थोड़ा सा ये आर्टिकल पढ़ लोगे ठीक है, अरे पढ़ लोगे ठीक। जैसे मिड डे मील क्यों है, पब्लिक एजुकेशन को इंक्लूसिव बनाने के लिए तो है, ताकि वो बच्चे भी आ जाए जो सिर्फ खाने पीने आते हैं, समझ में। चलो देखो यहाँ पे 5T दिए हुए, देखो 5T हाई स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम इज रूटेड इन 5T कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी टेक्नोलॉजी टीम वर्क एंड टाइमलेस रीडिंग, क्या लिखा है,
टाइमलीनेस लीडिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन, समझ में आ रहा है? इस तरह से ये सारी चीजें आपको ऐसे में लिखना है, अपने आंसर्स में लिखना है भैया, ठीक है? एजुकेशन जैसी आ जाएगा, क्या याद आना चाहिए तुम्हें? फट से 5T हाई स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, ठीक? ऐसे ही नंबर मिलते हैं आर्टिकल से। लैग्जिन सोशल मीडिया छोड़ो, फिर क्या है ये, द रोल ऑफ गवर्नर इन लेजिस्लेचर। मेरे ख्याल से अब तो तुम लोग पढ़ सकते हो वाला आर्टिकल, है ना? गवर्नर कौन से आर्टिकल में? 1, वेरी नाइस। क्योंकि प्रेसिडेंट कौन से में? 52। मैंने हमेशा बताया स्टेट का करना है तो क्या करो, एक प्लस वन करके मतलब 101 ऐड कर दो आगे, तो निकल आता है, ठीक है? तो 153 आर्टिकल में बिल्कुल देखो, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से, आर्टिकल 200 बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन व्हेन अ बिल इज पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर प्रेजेंटेड टू द गवर्नर, वो अपने असेंट दे सकता है, और असेंट के भी दो तीन तरीके होते हैं, क्या कर सकता है, पहला तो वो लेजिस्लेचर को लेजिस्लेचर अगर उसको वापिस भेज देगा तो गवर्नर के पास आप क्या ऑप्शन रहता है, प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है, याद आ रहा है कुछ चीजें वो सारी, तो देख लो भैया एक बार, है ना? इसमें देखो एक केस दिया हुआ है बहुत शानदार, शमशेर सिंह केस, ठीक है? तो ये आर्टिकल पढ़ लोगे, मैं कल पूछ लूंगा, बनेगा ना? बढ़िया, ठीक है ना? अब पूछ लूंगा मैं, अब क्या जाता है मेरे को, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ जॉर्जिया इलेक्शन। अच्छा जी, अच्छा जॉर्जिया वो वाला है, वो मैंने बताया था दो जॉर्जिया है, एक जॉर्जिया कंट्री, जॉर्जिया स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, एक राज्य है जैसे मध्य प्रदेश राजस्थान है ना इंडिया में, ऐसे यूएसए का एक राज्य है जॉर्जिया, और वो हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पे एक हेट स्पीच दे दी थी, और वहां के वो इलेक्शन कमीशन के अनुसार, इलेक्शन लॉ के अनुसार उसको जेल हो सकती है, याद आ रहा है कुछ? पढ़ चुके हैं अपन ये वाला कि ट्रंप को जेल हो जाएगा कि उन्होंने फ्रॉड किया है वहां पे, कुछ और बोल दिया और ऐसा हुआ नहीं है, याद आ रहा है? पढ़ा है अपनों ने बकायदा, तो थोड़ा सा पढ़ लोगे एक बार और, मतलब अभी तक क्या हुआ, ट्रंप को जेल क्यों नहीं हुई है, ये बोलना चाह रहा है वो। नेक्स्ट क्या, ये क्या है, देखो क्या लिखा है इनका नाम, बायपेडल रोबोट्स इज इन द टेस्टिंग फेज, मूव कंटेनर ड्यूरिंग अ डेमोन्स्ट्रेशन इन Amazon delivering the future in Washington. अच्छा जी, bipedal मतलब दो पैर वाले, वो रोबोट है जो अब इंसानों वाला काम कर रहे हैं, बढ़िया है। फिर क्या है, here is the quiz on various conflict currently raging around the world. ये कल अपन देख लेंगे एक बार, ध्यान से बिल्कुल देखेंगे। देखो इसमें अपन वैसे तो क्वेश्चन कर चुके हैं, इसका होमवर्क कर चुके हैं इसपे, ना? पर ये वाला थोड़ा सा और हो सकता है जो अपने से छूट गया हो, वाला भी कवर कर लेंगे। और यहाँ पे क्या है, फिल्म विल्म की बात है, छोड़ दो, है ना? देखो जैसे एक क्वेश्चन क्या है, देखो अर्नोल्ड शिवाजी नगर मेंबर ऑफ दिस पार्टी, शिवाजी नगर ही तो लिखा है, और क्या लिखा है ये नहीं लिखा शिवाजी नगर नहीं लिखा है क्या, जानते ना अर्नोल्ड शिवाजी नगर को तुम? अरे वो बॉडी बिल्डर, अरे वो मूवी देखी है, क्या नाम है वो, टर्मिनेटर, सुहास नगर है शिवाजी नगर, एक ही बात है वो, नहीं जानते तुम लोग इसको? अरे तुमने सबने बचपन में सबने देखा हुआ है इसको, सब जानते हो इसको। ये पता कैलिफोर्निया का वो गवर्नर रह चुका है वहां पे, और एक बात बता दो, यूएस में गवर्नर रहना इज वेरी पावरफुल, मतलब एक तरह से प्राइम मिनिस्टर जैसा इंडिया में होता ना, उतना पावरफुल होता है किसी भी स्टेट का गवर्नर यूएस में, ठीक है? कौन सी पार्टी का है, रिपब्लिकन पार्टी। चलो फिर क्या है, तमिलनाडु केरला ये अभी अपनों ने देखा है ना, इनको जानते हो ना, देख रहे हो सर्फ में सीधा नहा के निकलेंगे सब लोग। और ये तो बहुत कम दिख रहा है, मैंने तो ऐसे ऐसे देखा है कि जिसमें मतलब वो झाग भाई पूरे थे, वो पता नहीं भैया कितनी हिम्मत होती है ना ऐसे में उतरना, मतलब हाँ स्नो ही तो है, पर अब क्या बताए। चलो, लीगल एक्सपर्ट डिवाइडेड ऑन सेल्फ रेगुलेशन प्रोविजन इन द ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग बिल, तो जरा पता करके आओ,
ब्रॉडकास्टिंग बिल के बारे में, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल 2023, लिखो इसके बारे में पढ़ के आना है। और इसमें देखो एक बात आ रही है सेल्फ रेगुलेशन वाली, सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है क्या, वही तो पूछ रहा हूं मैं, क्या होती है ये खुद को कंट्रोल खुद ही करते हैं ये लोग, है ना, कि भैया हम ये प्रॉमिस करते हैं, मैं शपथ लेता हूं कि आज के बाद मैं ये नहीं बोलूंगा, तो ये मैंने क्या कर दिया खुद के ऊपर सेल्फ रेगुलेशन लगा दिया। समझ में आया, थोड़ा सा पढ़ के आ जाओगे ब्रॉडकास्टिंग वाला। ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल 2023, इसको पढ़ के आना है, ठीक है। फिर क्या है, है ना, देखो देखो भैया अपने मिनिस्टर गए हैं, वो मिनिस्टर के साथ ये सब आईएफएस बैठे हुए हैं, एक आईएएस होता है और बाकी आईएफएस होते हैं, ठीक है, क्योंकि मिनिस्टर के साथ हमेशा कौन जाएगा, आईएएस जाएगा, मतलब समझ रहे हो, आदमी आईएएस क्यों बनता है आखिर में, फिर ये चीज़ों के लिए। और देखो बोले भाई साहब आप तो जानते ही है, देखो अब हम तो चाइना से बात कर चुके हैं, ये बोल रहा है वो और क्या बोल रहा है ना, देखो अरे समझ में आ भी रहा कि नहीं ये जोक मेरा, ये ऊपर से चले गया, मैच्योर बनो इन जोक्स के लिए, कल कोई नहीं पे हंसना रहेगा वहां नहीं नहीं आज आना चाहिए। फिर ये क्या है, नोटबुक है, डीप डाइव इंडियन रिवर, ठीक है। फिर क्या है, स्टोलन कांग्रेस छोड़ो, लो भैया तुम्हारा क्यूआर कोड आ गया, ठीक है। देखो अर्जेंटीना में वोट कैसे डालते हैं, कैसे पुष्टि में डाल देते क्या बोलो, बाहर से पुष्टा उठा के ले बोलो उसमें डब्बा बना के, तो पता लिटरली वर्ल्ड, हाँ जरा पता करके आओ वर्ल्ड में ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज है जहां पे ईवीएम यूज होती है, हाँ तो पता कर लो ना, पाकिस्तान को भी भेजिए क्या, नहीं पाकिस्तान मर जाएंगे पर अपनी ईवीएम पे वो नहीं लगाएंगे बटन, अच्छा भेजिए क्या, चलो पता करके आओ, चलो वहां पर बीजेपी जीत गई क्या फोटो लिया यार, नहीं तो चलो फिर क्या है, हम करेंगे अपने, फिर दिख गया आज क्या बारे, हाँ है ना, देखो कितना अर्थ जैसा नहीं दिखता, ये नहीं दिख रहा, देखो वो आपने पढ़ा है कि नहीं, वो एयर सर्कुलेशन वाले बेल्ट है ना, ये नहीं दिख रहा, पर ये बस ये थोड़ा सा डी अलग बन गया यहाँ पे, कोरिओलिस फोर्स और अपना सारा वाला, और बाप रे देखो नीला ही नीला दिख रहा, चलो भैया काइमेरा होस्ट टू मल्टीपल जेनोटाइप एंड मे बी ह्यूमन ऑर्गन्स, जेनेटिक काइमेरा इज अ सिंगल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल ऑफ मोर देन वन जेनेटिक मेकअप, ह्यूमन पिक काइमेरास हैव बीन इंड्यूस्ड इन लेबोरेटरी सेटिंग इन अ बिड टू डेवलप मॉडल सिस्टम दैट प्रोड्यूस ह्यूमन ऑर्गन, है ना, काइमेरा वो बोल रहे हैं एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है और जिसमें ये हर ऑर्गेनिज्म में कॉमन होता है, जैसे ह्यूमन का सबसे ज्यादा कौन मैचिंग करता है, आप लोगों ने देखा था किसका लीवर वो ट्रांसप्लांट कर रहे थे, याद आ रहा है, किडनी ने लीवर किया था कि लीवर वो किडनी की थी, चलो फिर किडनी कर दी होगी, हाँ उसकी अच्छी सॉल्व भी कर सकती है ना, हर चीज पचा जाएगी वो तो, बढ़िया है ना। ये क्या है, ये क्या है, अच्छा लिखा ही नहीं इंग्लिश में, चलो यहाँ पे कंपनी का नाम आया है मोनसेंटो,
मोनसेंटो इज अ वेरी नोटोरियस कंपनी. नोटोरियस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो इन्होंने सबसे पहले डेवलप मतलब सबसे ज्यादा अभी तक डेवलप किए है हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सीड्स. और ये सीड कैसे है, जो इनफर्टाइल सीड होते हैं. इनफर्टाइल सीड का मतलब क्या होता है, देखो जैसे अगर आप कोई भी गेहूं या कोई भी सीड लेते हो और उसको जमीन में करके पानी डाल दोगे, क्या होगा, ग्रो हो जाएगा, इनके सीड नहीं होंगे, आपको वापस से इनसे ही खरीदना पड़ेंगे नए सीड. ठीक है, मतलब कैसे, जैसे इन्होंने इनसे आपने सीड लिया, उगा लिया और उनसे जो नए सीड निकलेंगे अब उसको वापस ग्रो करोगे तो वो वापस प्लांट नहीं बन सकता. तो मतलब ये था, समझे आप चीजों को, है ना. तो मोनसेंटो ने ये चीज करी, इन्होंने पहला वो वाले सीड बेचे, ठीक, उसके बाद उन सीड से जो प्लांट ग्रो हुआ उनपे जो कीड़े लगे, बोले कि भैया ये भी इसके लिए भी हम ही तुम्हें पेस्टिसाइड बेचेंगे, क्योंकि हमारा ही पेस्टिसाइड इस पे काम करेगा, है ना. वेलकम टू ग्रीन रिवॉल्यूशन, यही हुआ है ग्रीन रिवॉल्यूशन. और फिर इनके पेस्टिसाइड से इन्होंने बताना भूल गए कि आपकी जमीन बंजर हो जाएगी, ठीक है. एंड दिस इज द मेन रीजन ऑफ डेजर्टिफिकेशन इन पंजाब. कौन सी कंपनी, नहीं यूएस की, नाम से लग रहा है, नाम पे तो जा ही नहीं सकते, है ना. ठीक है ना, देखो क्या है ये, एक राउंड अप क्या है उनका, एक वीड किलर है. क्या होता है वीड, है ना, बढ़िया. देखो क्या है, स्प्रे विदाउट, जरा पढ़ के आओ ये क्या होता है भैया, ग्लाइफोसेट. क्या पता कल को यूपीएससी पूछ ले. और कुछ दिया हुआ है ना, देखो अ डिसीजन ऑन वेदर टू ऑथराइज द यूज ऑफ द कंट्रोवर्शियल केमिकल हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट. भैया इंपॉर्टेंट हो गया ये तो, एक कंट्रोवर्शियल हर्बिसाइड, हर्बिसाइड समझते हो, जो नहीं समझता ऐसे सुनो. कहाँ गया, है ना, सुसाइड मतलब खुद मरना, और यहां पे भी मरना है, पर किसको मारना है अपने को, हर्ब्स को मारना है. हर्ब्स मतलब छोटे पौधे, समझ में आया, ठीक. और ये कौन सा है कंट्रोवर्शियल इस तरह का हर्बिसाइड, क्या नाम है भैया, कहाँ गया वो, अरे कहाँ गया, ग्लाइफोसेट, ठीक है. चलो भैया और कुछ है, ये क्या है, प्री मेटन, ब्लैक शी अमंग, ठीक है कल पढ़ के आ जाएंगे, है ना. फ्री मार्टेंस मतलब पूरी तरह से गाय भी नहीं है, वो ऐसा बोलना चाह रहा है, मतलब वो गाय नहीं है पर वो गाय दिख रही है. गाय मतलब काऊ, अब ठीक है, अरे ठीक है ना, पढ़ के आओ भैया, मेरे को भी नहीं पता, ये पहली बार सुना मैंने, ठीक है चलो कल मिलते हैं भाई. ए गाइस ऐसा वाला गाइस.